अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ैन जावेद फ्रॉम रिच ऑफ अफ्रीका। आज हम एक और व्लॉगर, हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से व्लॉगिंग कर रहे हैं और बड़े अच्छे व्लॉगर हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं उनकी। हमारी जीप कट ऑफ नहीं मार रही और इलेक्ट्रिशियन के कहने के मुताबिक इसके ECU में इशू है। हमें पता चला कि वो हमारे जो दोस्त हैं उनके पास एक ECU पड़ा हुआ है, जो कि हम चेक कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये ECU का ही इशू है या नहीं। तो अभी हम जाएंगे उनके पास और आपको पता चलेगा कि वो कौन है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। चलें आगे चलते हैं, साथ हम आपको इस हॉट रॉड जीप की सैर करवाते हैं और साथ हम चलते हैं एक और अपने व्लॉगर दोस्त के पास। नहीं जनाब, अजान तो एक बार फिर डांट पड़ने लगी थी, अभी बजा आएगा ना भिड़ो, थोड़ी सी बचत हो गई है। नो नो, निकले हैं हम और वो है एक कहावत, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो जीप से पे निकलते ही हमारी नज़र आ रहा है कि बादल आ रहे हैं। अब देखें कि आप भीगते हैं या आप सूखे सूखे ही गाड़ी की सैर कर लेते हैं, ये अब आपके नसीब है। माल रोड लाहौर की रोड्स में एक बहुत ही खूबसूरत रोड है, और अगर आप इसके वो लोग जो लाहौर से वाकिफ़ हैं, कमाल इसमें जो इसकी बिल्डिंग्स हैं और इसके अंदर जो लाहौर की एक हिस्ट्री नज़र आती है, जब आप यहाँ पे आएँ तो इसकी एक अलग ही फील है। और स्पेशली जो इस साइड पे है आपका नहर से लेके सेक्रेट वाली साइड पर, इधर इधर देख पीछे है? टोपी उड़ गई थी जी मेरी, लेकिन बचत हो गई। गाइस मौसम बहुत मजे का है और आज आपको इस मजे के मौसम में सैर करवा दी है अजान के साथ। तो ये जनाब हम कारीगर रिस्ट मोड पे पहुंच गए हैं। तो हमें अंदर से एक भाई हैं जो कि इशारा कर रहे हैं, वही वो हमारे भाई हैं जिनसे हम मिलने आए हैं। और आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे नहीं, ये सुरखेल भाई हैं, वो आ रहे हैं जी हमारी तरफ। बेटा पीछे हटना जरा,
गाड़ी हमारी अंदर जाती है या नहीं, चली तो जाएगी। सर सही चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिखा दूंगा आपको। कैसे हैं आप? वीडियो में इतनी वो दोषी लगती है। हाँ जी, वीडियो में नहीं लगती ना। ये सुरखेल भाई, ये जरा मेरे से बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं जरा मुझे टाइम दे और मैं इसको जरा डाइजेस्ट करूँ फिर आपसे बात करता हूँ। जी सुरखेल भाई, हो गई? देखना चाह रहा हूँ कि ये कारिस्तानी क्या की हुई है। कारिस्तानिया पे हम पहुंचे हैं कारिस्तानी करके। क्या बात है यार, ये वही है जो लोग ढूंढते होते यार, पॉइंट वाला होंडा ढूंढना है, पॉइंट वाला। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो गैस सुखेर भाई ने कुछ निकाल लिया हमारे लिए और अब हम देखेंगे कि हमारा मसला हल होता है इससे या नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया सुखेर भाई। नहीं शुक्रिया, हमें पेमेंट करनी है इसकी मुझे। वो तो सर पेमेंट के साथ शुक्रिया। कोई डिस्काउंट नहीं है भैया। हाँ पेमेंट के साथ शुक्रिया आपका। मुफ्त का शुक्रिया नहीं, पेमेंट के साथ। मैंने अपनी गाड़ी में V8 डालना था। हाँ थोड़े पैसे तो मैं। अच्छा ये वो वाला काम है वो जो टायर पहले लेके बीच गड्डी बीच गड्डी पवा लो। कंप्यूटर ले लिया था, इंजन डलवाना था। ठीक है अच्छा, तो अभी जी हमारा एक सुरखेल भाई का एक मेरे पास एक विजिट एक ड्यू हो गया, एक मार्केट है जो कि हमने इकट्ठे विजिट करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी विजिट करेंगे, वो एक ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे और मैं दिखाऊंगा। हाँ वो ये दिखाएंगे। हाँ, वो ये दिखाएंगे। तो खैर हम होंगे, मैं तो हम क्या है, ठीक है। यार नहीं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने मुझे बताया ना, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस देखे वो चीज़। वो ये मेरा नहीं खासा पाकिस्तान में ये सीएनसी वाला काम हो रहा है स्पेशली। नहीं नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। मैं आपको वो सारी मार्केट्स विजिट करवाऊंगा ताकि आपके लिए माउंट्स बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टीजर दे रहा हूँ, हम लोग माउंट्स बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग करके उसको काटते हैं या बत्ती से काटते हैं उसको, तो ये सीएनसी पे माउंट्स काटने वाला काम, मतलब उसको कैड में डिजाइन करके और बाद में फिर सीएनसी पे काटने वाला इंटरेस्टिंग काम है। गोरे तो कर रहे हैं पाकिस्तान में, खाल सके हो रहा है, हम लोग तो यहाँ पे लोकली लगे हुए होते हैं। जी हम जो चीज़ें जिनकी जिद्दत ला सकते हैं उनकी तो हम कोशिश करेंगे वो आए। और कुछ लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि यार यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आए, जिनके पास पैसे हैं भाई अच्छी इंडस्ट्री भी लगाए इधर। गाइस सुरखेल भाई हमारी गाड़ी की ट्रायल लेने गए हैं, अब दुआ है कि वो हमें पास कर दें और हम शुरू हो जाए प्रोजेक्ट में। देखें एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं इस पर कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वेट कर रहे हैं, जूता लेने गए हैं वो गाड़ी का, देखें कैसा रिस्पांस आता है। कंप्यूटर हाथ में है, ईसीयू और फिंगर्स क्रॉस्ड। लग रहा है कि सुरखेल भाई आ गए हैं और इन गाड़ियों के पीछे, हाँ बिल्कुल ये लाइट सुसी जीप की है, ये वही जीप है। जी जनाब, पास कर दिया या फेल? मैं फेल हो गया। ओह ना यार, और ना ना ऐसी बात ना करें। क्लियर है, क्लियर है। अंदर करनी है रिवर्स? बस ठीक है, बस ठीक है।
जनाब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मुझे प्लीज बताइए। सर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, मैं आपको पन्ने का समझता था ना। अच्छा क्यों, क्या हुआ? हिम्मत है इसमें चला रहे हो आप इसको? अच्छा बहुत मुश्किल है। टॉर्क बहुत है, बहुत टॉर्क है। आप इसको रेस देते हो और वो, और अभी ये पूरी पावर पे नहीं है अपनी। हाँ अभी फ्यूल पंप इशू है इसके अंदर, वो लैग एकदम लेती है जब उठाते हो ना एकदम, तो देयर इज अ कर्व एकदम नीचे गिरती है आपकी पावर इसके। वो मतलब इशू फ्यूल पंप का ही है एक्चुअली, मुझे वही लग रहा है। हाँ अभी आज अभी मैं करता हूँ फ्यूल पंप चेंज, जब तक फ्यूल पंप चेंज नहीं होता तो मैं इसको नहीं छेड़ने लगा। इसको भी मत छेड़ो, ठीक है, इसको नहीं छेड़ूंगा इसको। अच्छा तो मैंने जब प्लान किया तो पैसे भी अभी नहीं ना दूं? पैसे भी देने हैं, जब चल जाएगी तब देख लेंगे। अच्छा, अच्छा तो जब मैंने ये लिया था, मैंने साथ वॉल्वो का फ्यूल पंप भी लिया था, मेरा okay. दोस्त यूएस से आ रहा था okay. तो वो आता है मस्टैंग के अंदर, वॉल्वो का 450 लीटर पर आवर वाला पंप। अच्छा उसको वो लगना है। अच्छा ये पंप खाती रहेगी तो वो फ्यूल पंप भी आपके पास पड़ा हुआ है? अच्छा अच्छा, मतलब वो आपने अपनी गाड़ी में? अच्छा वही जो आप मुझे बता रहे थे मार्क टू, ओके चलें वो भी दिखाइए फिर किसी टाइम पे आप। और अब हमें इजाजत दीजिए, हम निकलते हैं जी। तो गाइस हमें, क्योंकि सुशील भाई ने ये कहा है कि उनको ये लगता है कि ये ईसीयू का इशू नहीं है, हमारी गाड़ी में इशू फ्यूल पंप का ही है। तो अभी हम देखते हैं, एक और गाड़ी में सेम फ्यूल पंप फिट हुआ हुआ है मेरी कैडिलैक में, तो वो फ्यूल पंप मंगवाते हैं उस पर से खुलवा के इसको लगा के एक दफ़ा देखते हैं। अगर तो फ्यूल पंप का इशू हुआ तो ये कट ऑफ इसका ठीक हो जाएगा। आई सी यू में एक ये भी होता है कि इसका फिर आई सी भी चेंज करना पड़ता है, तो हमें वो आई सी चेंज करना पड़ेगा अपने इसमें इमोबिलाइजर के हिसाब से, और फिर हम इसको जो है स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम ये फ्यूल पंप चेंज करना जो है वो थोड़ा सा आसान काम है, तो हम पहले वो करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, शायद हमें अल्लाह करे इसी ना ही चेंज करना पड़े। ले जनाब अब हम जप्पी डालने लगे हैं, अलविदाई जप्पी। जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।